नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दर्शकों की मांग पर मैं आप लोगों के लिए नील सरस्वती स्त्रोत के साथ में नील सरस्वती साधना लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस साधना के द्वारा न सिर्फ शत्रुओं का विनाश होता है बल्कि अद्भुत प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, या जो लोग भी किसी भी माध्यम से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए यह साधना बहुत उत्तम मानी जाती है। तो कौन है माता नील सरस्वती, इनका रहस्य क्या है, इनके संबंध में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, इनका स्रोत क्या है, और पीडीएफ के रूप में इनकी साधना को कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब कुछ मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए निर्मित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्रोत आता है, आदो सरस्वती पूजा श्री कृष्णेन विनिर्मितः यत् प्रसादेन मुनि श्रेष्ठ मूर्खो भवति पंडितः। अर्थात एक बार क्या हुआ कि देवी भागवत में जब कथा होती है कि नारद मुनि भगवान नारायण से देवी सरस्वती का चरित्र जानने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, उनकी जिज्ञासा का शमन करते हुए भगवान नारायण कहते हैं, सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान ने सरस्वती की पूजा की, जिनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण महान विद्वान और जगत गुरु बने थे। इसी स्रोत का यही अर्थ है। और शुल्क यजुर्वेद की रचना महर्षि यज्ञवल्क ने की थी। ऐसी मान्यता है कि यज्ञवल्क ने माँ सरस्वती की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया एवं उनकी कृपा से शुल्क यजुर्वेद की रचना करने में वो समर्थ हुए थे। इस तरह की भी कहानी आती है कि महर्षि यज्ञवल्क अपना सारा ज्ञान भूल चुके थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस प्रकार नवीन वेद की रचना कर पाएंगे। फिर याज्ञवल्क को स्मरण आया कि जब भी देवताओं को ज्ञान प्राप्ति में बाधा आई है, उन्होंने देवी सरस्वती की कृपा से उस संकट को पार किया है। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग का उल्लेख आया है। अतः याज्ञवल्क सरस्वती माता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे देवी, एक बार सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान के विषय में पूछा। उस समय ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करने में ब्रह्मा मूक की भांति अक्षम हो गए थे। उसी समय स्वयं श्री कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने कहा, हे प्रजापते, आप भगवती सरस्वती को अपनी इष्ट देवी बनाकर उनकी स्तुति कीजिए। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने भगवती सरस्वती की स्तुति की। फिर सरस्वती की कृपा से वे ब्रह्म ज्ञान के विषय में उत्तम सिद्धांत का विवेचन करने में सफल हो गए। इस प्रकार जब पृथ्वी ने शेषनाग से ज्ञान का एक रहस्य पूछा, तब वे भी मौन हो गए। तदुपरांत व्यथित हृदय शेषनाग ने कश्यप ऋषि की आज्ञा अनुसार देवी सरस्वती का पूजन किया था। तदनंतर वे भ्रम का नाश करने वाले पवित्र सिद्धांत का विवेचन कर सके थे। इसी प्रकार जब व्यास जी ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र पूछा, तब भी वो मौन हो गए थे। जगदम्बा सरस्वती की स्मरण करने पर ही मुनि वाल्मीकि पुराण सिद्धांत का प्रतिपादन करने में भी सफल हो पाए थे। भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न व्यास जी उस पुराण के सूत्र को सुनकर पुष्कर क्षेत्र में देवी सरस्वती की आराधना किए। फिर सरस्वती माँ से वर पाकर वो कविंद्र हुए। 18 पुराणों की रचना करने में इसी कारण वह समर्थ हुए थे। हालांकि बाद में यह माना गया कि व्यास नील सरस्वती की कृपा से पुराणों की रचना कर पाए हैं। इंद्र ने भी जब भगवान शंकर से तत्वज्ञान के संबंध में पूछा, तब भी वह देवी सरस्वती की आराधना से शिव जी को ने इन्हें इंद्र का ज्ञान और इंद्रत्व का ज्ञान उपदेश किया था। इंद्र ने जब देवगुरु बृहस्पति से शब्द शास्त्र के संबंध में पूछा, तब ब्रह्मा जी ने स्वयं दिव्य पुष्कर क्षेत्र में 1000 वर्षों तक तप किया और देवी सरस्वती की कृपा से वे शब्द शास्त्र में सिद्ध हुए। इंद्र ने जब देवगुरु बृहस्पति से शब्द शास्त्र के संबंध में पूछा, तब ब्रह्मा ने स्वयं दिव्य पुष्कर क्षेत्र में 1000 वर्षों तक तप किया और सरस्वती कृपा से वे शब्द शास्त्र में सिद्ध हुए। फिर 1000 वर्षों तक उन्होंने इंद्र को शब्द शास्त्र का ज्ञान दिया था। याज्ञवल्क आगे कहते हैं कि जब पंचानन शिव, चतुरानन ब्रह्मा और सहस्त्रार मुख वाले शेषनाग आपकी स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊंगा। याज्ञवल्क की इस प्रकार की स्तुति करने पर देवी सरस्वती ने उन्हें
साक्षात दर्शन दिए और जिसके प्रभावश याज्ञवल्क शुल्क यजुर्वेद की रचना कर पाए थे। याज्ञवल्क रचित सरस्वती स्त्रोत जो है वो नियमित रूप से जो पाठ करता है वो बृहस्पति के समान महान वक्ता हो जाता है। तो क्या नील सरस्वती और सरस्वती दोनों में भिन्नता है? ऐसा नहीं है। सरस्वती की तुलना जो है वो तुषारहार यानी बर्फ की तरह धवल या श्वेत रूप में की गई थी, लेकिन जब हम तंत्र के ही क्षेत्र में इन्हीं माता को जपते हैं तो हम वाम तंत्र में उच्छिष्ट गणपति की संगिनी शक्ति के साथ में नील सरस्वती या नीलवर्णा सरस्वती या नील रूपी सरस्वती, दश महाविद्या में दूसरे स्थान पर अवस्थित देवी तारा जो कि संसार के बंधनों को तार देती हैं, उन्हीं का एक रूप है नील सरस्वती। इस स्वरूप में भगवती तारा अपने साधकों को हर प्रकार की शत्रु बाधा से तो मुक्त करती ही हैं, ज्ञान और सरस्वती तत्व की शक्तियां उन्हें प्रदान करती हैं। सरस्वती रूप में महाविद्या तारा काली का रूप समाहित हो गया है, इसलिए नील सरस्वती की आराधना जो भी व्यक्ति करता है उसे माता सरस्वती की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। केवल इतनी सी बात है कि एक तरफ हम जहां मंत्रों का जाप कर रहे हैं शुद्ध सात्विक स्वरूप में, जब तंत्र के रूप में उन्हीं की साधना की जाती है तो वह नील सरस्वती कहलाती है। इनके संबंध में मंत्र भी आता है, घोर रूपे महारावे सर शत्रु भयंकरी भक्तव्यो वरदे देवी त्राहि माम शरणम गतम। इस प्रकार से जो भी महाविद्या तारा की साधना करता है तो उसमें उनकी एक स्वरूप है नील सरस्वती, जो अद्भुत रूप से चमत्कृत हैं और ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि प्रदान करने वाली हैं और शुद्ध बुद्धि की परिचायक हैं। ये भी माना जाता है कि उच्छिष्ट गणपति के साथ इनका वास रहता है और शत्रु संहार में बेजोड़ मानी जाती हैं। सभी प्रकार से बहुत ही दुर्लभ शक्तियाँ ये प्रदान करती हैं। तो ये तो बात हो गई माता नील सरस्वती साधना के विषय में कि आखिर इनकी कहानी क्या है, इनके कहने का रहस्य क्या है। जब भी याद रखें कि जब भी आप इनके मंत्रों का जाप करें या पाठ का बात करें या ऐसे कोई भी स्त्रोत का जाप करें तो नील सरस्वती स्त्रोत अवश्य पढ़ें। नील सरस्वती स्त्रोत पढ़ने के बाद में आप उनके मूल मंत्रों की जो साधना विधान है, जो विधि है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो नील सरस्वती स्त्रोत को अवश्य ही जानना चाहिए। मैं आपके लिए यहाँ पर नील सरस्वती स्त्रोत का वर्णन कर रहा हूँ। इस स्त्रोत को पढ़ने के बाद आप बताई गई विधि से देवी नील सरस्वती की साधना कर सकते हैं और उसका जो PDF है मैंने आपके लिए बना दिया है वो आपको इंस्टामोजो स्टोर से मिल जाएगा। तो ये स्त्रोत इस प्रकार से पढ़ा जाता है, श्री गणेशाय नमः। घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु वशंकरी भक्तेभ्यो वरदे देवी त्राहि माम शरणागतम। सुरास्य सुर चर्चिते देवी सिद्ध गंधर्व सेविते जाड्यपहाप हरे देवी त्राहि माम शरणागतम। जटाजूट समायुक्ते लोल जिह्वानुकारिणी द्रुत बुद्धि करे देवी त्राहि माम शरणम गतम। सौम्य रूपे घोर रूपे चंड रूपे नमोस्तुते दृष्टि रूपे नमस्तुभ्यं त्राहि माम शरणम गतम। जडानाम जडताम हांतिम भक्तानाम भक्तवत्सले मूढ़ता हर मे देवी त्राहि माम शरणम गतम। हूं हूंकार मये देवी बलि होमं प्रिये नमः उग्रतारे नमस्तुभ्यं त्राहि माम शरणम गतम। बुद्धि देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे कुबुद्धिं हर मे देहि देवी त्राहि माम शरणम गतम। इंद्रादि देव सदुन्वंदितेम करुणामयीं तारे ताराधीनास्थास्ते त्राहि माम शरणम गतम। फलश्रुति अर्थात इसका जो फल प्राप्त होता है उसके संबंध में स्रोत आता है, अष्टम्यम चतुर्दश्यम नवम्यम यह प्रयोत पठिन रहा चेक चेत सह षण्माशे शिद्रमाब्रोति नास्त्रम कार्यम विचारणा मोक्षार्थी लभते मोक्षम धनार्थी धनमाप्रियातम
विद्यार्थी लभते विद्यां तर्क व्याकरणादिकम् इदं स्त्रोतं पठेदस्तु सततं श्रद्धान्वितं साधनं लभते नरः तस्य शत्रु क्षयं याति महा प्रज्ञा च ज्ञायते पीडयां वापि संवामे जप्येदानि तथा भये य इदं पठति स्त्रोतं शुभं तस्य न संशयः स्त्रोणादेन देवीशी श्रुतं देवी सुरेश्वरी सर्वकामापावृति सर्वविद्यानि विवर्धते सर्वान् कामान् मावृति इति ते कथितं दिव्यं स्त्रोतं सरस्वत्यप्रदम् अस्मात् परतरं नास्ति स्त्रोतं तन्ने महेश्वरी। तो ये ब्रह्म तंत्र के द्वितीय पटल के नील सरस्वती स्त्रोत के रूप में यहाँ पर बताया गया है, और इस स्त्रोत को पढ़ने के बाद ही आपको साधना हमेशा करनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी का जो विधान है मैंने आप लोगों के लिए इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दिया है। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इंस्टा मोजो स्टोर पर जाकर के नील सरस्वती साधना की सरल विधि ग्रहण कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं, पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कीजिए, ईमेल आईडी वगैरह पूरा फॉर्म भर के आप उसे भरें। याद रखें अगर आपको तुरंत पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता तो आपकी ईमेल आईडी जो आप डालते हैं उस पर डाउनलोड लिंक आता है हमेशा, जब भी आप कोई भी पीडीएफ वगैरह को आप डाउनलोड करते हैं इस बात का हमेशा ध्यान रखा कीजिए। इसलिए आपका जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि आपको निश्चित रूप से पीडीएफ की लिंक आ जाए डाउनलोड की और आप उस साधना को सहज रूप में कर पाएं। बार बार मेरे पास इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, तो ईमेल आईडी को सही से डालें, उसी ईमेल आईडी पे भी लिंक आती है, वैसे तो तुरंत ही आपको लिंक आ जाता है और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ डाउनलोडर होना चाहिए, पीडीएफ को खोलने वाला भी आपके अंदर मोबाइल में होना चाहिए, तो आप आराम से वो साधना विधि अपने पास पीडीएफ के रूप में रख सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मूल रूप से जो नील सरस्वती माता हैं वह एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से आप शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में देवी तारा जो का जो स्वरूप है वो जुड़ा हुआ होता है। सरस्वती का मतलब होता है कि आप विद्याओं में पारंगत बनेंगे, आपकी बोली या जो वशीकरण की शक्ति है बोलने से वो पैदा होती है। इसके अलावा सरस्वती के रूप में जैसे सरस रूप में बहती है चीज, वैसे ही आपकी बोली भाषा बन जाती है, आप इसीलिए सम्मोहित करते हैं लोगों को, प्यारी बातें बोलते हैं, संगीत इत्यादि में आप निपुण हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो नृत्य करना चाहता है, नाट्य प्रस्तुत करना चाहता है, किसी भी प्रकार से किसी कला का प्रतिपादन करता है, कोई भी कला हो सकती है, लेखनी से लेकर के व्यक्त करने की कोई भी तरीके, वो सारी विद्याएं नील सरस्वती प्रदान करती हैं। तो आप जो भी काम कर रहे होंगे कला के क्षेत्र में, जैसा भी कोई भी आपकी कला हो, वो विद्या माता नील सरस्वती प्रदान करती हैं। इसके अलावा और उच्छिष्ट गणपति जी की साधना भी अलग से आप कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट लेना है इस साधना के द्वारा तो आप इस तरह की और भी साधनाएं उसमें जोड़ सकते हैं, उसके विषय में भी हम लोग अवश्य किसी दिन बात करेंगे। लेकिन माता नील सरस्वती के विषय में आज यहाँ बात हो रही है, और माता नील सरस्वती नीले रंग की माता सरस्वती के रूप में दर्शन देती हैं, ज्ञान की देवी हैं और बुद्धि को आपको खोलती हैं। जिसके भी परीक्षाओं में सफलता उसे नहीं प्राप्त हो रही है, इनकी साधना करके वह परीक्षाओं में सफल हो सकता है, ज्ञान की उसकी वृद्धि हो सकती है। और जगत में कहते हैं ज्ञान का बहुत महत्व है, जो भी व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है वो सारे रहस्यों को जान जाता है और उसके फिर जीवन में कोई भी संकट या परेशानी फिर नहीं रह जाती है, इसीलिए नील सरस्वती साधना का विशेष महत्व है। और जैसा कि मैंने बताया है कि आपको इनकी साधना में जो पूरा विधान है वह मैंने पीडीएफ के रूप में आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया है, और इस पीडीएफ के माध्यम से आप इस साधना को खरीद करके जो लोग भी नील सरस्वती साधना करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यह साधना बहुत ज़्यादा तांत्रिक साधना भी नहीं मानी जाती है, सहज और सरल साधना है जो आपको हर प्रकार से लाभ देती है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।